हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ डॉक्टर नोपर। इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे अबाउट द सीलिया एंड द फ्लैजेला। सीलिया एंड फ्लैजेला जो होंगे, बेसिकली दीज आर द हेयर लाइक आउटग्रोथ्स ऑफ द सेल मेम्ब्रेन दैट इज फाउंड इन द सेल और द ऑर्गेनिज्म एंड हेल्प इन द लोकोमोशन पर्टिकुलरली। नाउ जब हम सीलिया और फ्लैजेला की बात करते हैं तो इनमें कुछ डिफरेंसेस भी देखने को मिलेंगे, लेकिन इनका जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, दैट इज सिमिलर। So let us note down the differences first and then we'll study its structure in detail. So सबसे पहला जो point अपन यहाँ लिखेंगे, that is cilia and flagella are hair-like outgrowths of cell membrane. क्लियर? नाउ इन ऑर्डर टू कंपेयर इट, ऑन वन साइड विल राइट द सीलिया एंड ऑन द अदर साइड विल राइट द फ्लैजेला। नाउ लेट अस कंपेयर इट। सबसे पहला जो हम कंपैरिजन करते हैं, हम यहाँ पर मेनली चार कैरेक्टर्स के बेसिस पे इसको कंपेयर करेंगे। सबसे पहला आता है साइज, नंबर, मूवमेंट एंड फंक्शंस। क्लियर? नाउ सबसे पहला अगर पॉइंट हम कंसिडरेशन में लें, दैट इज द साइज। जब हम साइज की बात करते हैं तो सीलिया जो होते हैं दे आर स्मॉलर इन साइज, वेरेरियास कंपैरेटिवली फ्लैजेला आर लॉन्गर, दे आर अबाउट 150 माइक्रो एम इन लेंथ। सो दे आर शॉर्टर, दे आर 5 टू 10 माइक्रो एम इन लेंथ। एंड इफ यू टॉक अबाउट फ्लैजेला, दे आर कंपैरेटिवली लॉन्गर, अबाउट 150 माइक्रो एम इन लेंथ। सेकेंड पॉइंट जो अपन लेंगे कंसिडरेशन में, दैट इज द नंबर। जब हम नंबर की बात करते हैं तो सीलिया आर मोर न्यूमरस, जिस भी सेल के अंदर ये मौजूद होते हैं तो उसके पूरे इंटायर सरफेस पे ये क्या रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। जबकि फ्लैजेला जो होते हैं जनरली दे आर प्रेजेंट टूवर्ड्स वन एंड एंड दे आर फ्यूअर इन नंबर। तो नंबर की अगर हम बात करें तो सीलिया क्या है, दे आर न्यूमरस, न्यूमरस मतलब हो गया मैनी, एंड फ्लैजेला आर फ्यूअर इन नंबर। क्लियर? थर्ड पॉइंट जो आता है, दैट इज द विल टॉक अबाउट द मूवमेंट। अब देखिए सीलिया का जो मूवमेंट होता है, जितने भी सीलिया हैं सेल के अंदर मौजूद वो क्या होते हैं, दे शो कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट, कोऑर्डिनेशन में मूव करते हैं जितने भी सीलिया मौजूद होंगे। और इनका जो मूवमेंट होता है वो पेंडुलर मूवमेंट होता है, लाइक दैट ऑफ अ पेंडुलम। यहाँ पर दो स्ट्रोक्स होते हैं, एक होता है पावर स्ट्रोक और एक होता है रिकवरी स्ट्रोक, पावर स्ट्रोक एंड रिकवरी स्ट्रोक। ठीक है, तो यहाँ हम कह सकते हैं इसके अंदर जो मूवमेंट है वो किस टाइप का मिलेगा, दे शो कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट, दैट इज ऑफ पेंडुलर टाइप। क्लियर? इफ यू टॉक अबाउट द फ्लैजेला, इसके अंदर जो जितने भी फ्लैजेला हैं सेल के अंदर वो कैसे बीट करेंगे, इंडिपेंडेंटली, सारे एक दूसरे के इंडिपेंडेंट बीट करते हैं, दे डू नॉट शो एनी कोऑर्डिनेशन विद ईच अदर। दूसरी बात कि इनके अंदर जो मूवमेंट होगा फ्लैजेला में, दैट इज वेव लाइक इन द फॉर्म ऑफ अ वेव, जिसे हम क्या कहते हैं, अनडुलेटिंग मूवमेंट। तो यहां हम लिखेंगे दे बीट इंडिपेंडेंटली, एंड शो अनडुलेटिंग मूवमेंट। अनडुलेटिंग मूवमेंट का क्या मतलब है, दैट इज वेव लाइक। देन आता है फोर्थ पॉइंट, दैट इज फंक्शंस। फंक्शंस की जब हम बात करें तो देखिए दोनों सीलिया और फ्लैजेला किस में इन्वॉल्व है, इन द लोकोमोशन ऑफ द सेल और ऑर्गेनिज्म। नाउ इन द केस ऑफ सीलिया देर आर फाउंड सर्टन अदर फंक्शंस ऑल्सो, जैसा कि ये क्या करता है, लोअर एक्वेटिक एनिमल्स जो हैं उसके अंदर फूड करंट क्रिएट करने में मदद करता है। इट इज़ आल्सो फाउंड इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जहाँ पर सीलियरी मूवमेंट की वजह से जो भी सॉलिड पार्टिकल्स आ जाते हैं उस रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, ये उसको एलिमिनेट आउट
करता है, जबकि फ्लैजेला की अगर हम बात करें तो इट इज़ ओनली इन्वॉल्व इन द लोकोमोशन। सो यहाँ पर फंक्शंस में सबसे पहला जो अपन इसके अंदर लिखेंगे दैट इज इन लोअर एक्वेटिक एनिमल्स इट हेल्प्स टू क्रिएट फूड करंट, दैट इज इट हेल्प्स इन फीडिंग। सेकेंड अपन लिखेंगे दैट इज इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट द सीलियरी मूवमेंट एलिमिनेट्स सॉलिड पार्टिकल्स फ्रॉम इट एंड लास्ट इट हेल्प्स इन लोकोमोशन ऑफ सेल एंड सराउंडिंग फ्लूइड। हम ये कह सकते हैं कि जो सीलिया है वो ओअर की तरह काम करता है, यानी चप्पू की तरह काम करता है, जिसकी वजह से क्या होता है सेल का मूवमेंट तो होगा ही होगा लेकिन जो सराउंडिंग फ्लूइड है उसका भी मूवमेंट होता है, जबकि फ्लैजेला के ज़रिए जो होगा केवल सेल का ही मूवमेंट देखने को मिलता है। सो सीलिया हम कह सकते हैं इट इज़ इन्वॉल्व इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस अदर दैन द लोकोमोशन। लेकिन अगर हम बात करें किसकी, फ्लैजेला की, तो इट इज़ इन्वॉल्व ओनली इन लोकोमोशन। सो इट हेल्प्स इन लोकोमोशन। सो दिस वॉज अ कंपैरेटिव स्टडी बिटवीन द सीलिया एंड द फ्लैजेला। नाउ लेट अस लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला इन डिटेल विच इज सिमिलर। नाउ लेट अस लुक इन डिटेल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द सीलिया एंड फ्लैजेला। सीलिया और फ्लैजेला का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो सिमिलर होता है। किसका बना होगा, बाहर की तरफ मिलती है प्रोटोप्लाज्मिक शीत या सेल मेम्ब्रेन और बीच में मिलेगा दैट इज नोन एज द एक्सोनीम। एक्सोनीम जो होगा इसका अगर अपन ट्रांसवर्स सेक्शन देखें तो इट विल शो 9+2 ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर। अब ये अपन जानते हैं, ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि जो सेंट्रियोल है इसके अंदर कैसी ऑर्गेनाइजेशन होती है, 9+0 ऑर्गेनाइजेशन। इस सेंट्रियोल से क्या बनता है, बेसल बॉडी और द ब्लेफेरोप्लास्ट और द बेसल ग्रैन्यूल नोन बाय डिफरेंट नेम्स, इसकी ऑर्गेनाइजेशन भी क्या होती है, 9+0 ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर। इस बेसल बॉडी से क्या अराइज होएगा, फ्रॉम इट अराइजेस सीलिया और द फ्लैजेला, और इस सीलिया और फ्लैजेला का जो ऑर्गेनाइजेशन होगा दैट इज 9+2 ऑर्गेनाइजेशन। हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट द यूकैरियोटिक फ्लैजेला। प्रोकैरियोट्स के अंदर 9+2 ऑर्गेनाइजेशन नहीं मिलती है, वहाँ पर फ्लैजेला की डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन होगी और वहाँ पर जो फ्लैजेला होगा दैट इज मेड अप ऑफ द फ्लैजेलिन प्रोटीन। क्लियर। सो यहाँ पर अपन जो डिटेल में पढ़ेंगे एक्सोनीम के बारे में पढ़ेंगे दैट इज हैविंग द 9+2 ऑर्गेनाइजेशन। अब 9+2 ऑर्गेनाइजेशन क्यों कहा है, क्योंकि यहाँ पर पेरीफेरी पर क्या मिल रहे हैं, 9 डबलेट्स मिल रहे हैं, जबकि सेंट्रियोल में क्या मिल रहे थे, सेंट्रियोल में ट्रिपलेट्स मिल रहे थे, यहाँ पर डबलेट्स मिलेंगे। लेकिन सेंट्रियोल के अंदर सेंटर में कोई फाइब्रिल नहीं था, जबकि यहाँ पर सेंटर में भी क्या मिलेंगे, 2 सिंगलेट फाइब्रिल्स पाए जाते हैं। तो इनका अपन स्ट्रक्चर बना लेते हैं। यहाँ पर दिस इज द सेंट्रल प्रोटीनेशियस शीथ, ठीक है। इस सेंट्रल प्रोटीनेशियस शीथ के अंदर हमको मिलेंगे 2 सिंगलेट फाइब्रिल्स लाइक दिस। क्लियर। 2 सिंगलेट फाइब्रिल्स मिलेंगे और हर फाइब्रिल जो है कितने प्रोटोफिलामेंट्स का बना होगा, दैट इज मेड अप ऑफ 13 प्रोटोफिलामेंट्स एंड इट इज मार्क्ड एज C1 C2। कितने प्रोटोफिलामेंट से मिलकर बना है, 13। सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। क्लियर। सेम इज द केस हियर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13।
नाउ दीज टू सिंगलेट फाइब्रल्स दे आर कनेक्टेड बाय मीन्स ऑफ अ ब्रिज. एक ब्रिज के जरिए जो होते हैं ये कनेक्टेड रहते हैं. ठीक है. नाउ these two singlet fibrils are made up of the dynein protein and they are surrounded by the central proteinaceous sheath. Now if we look at the periphery ki agar hum baat kare, to periphery par 9 kya milenge, doublets are there, 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. ठीक है. पेरीफेरी पे क्या मिलेंगे, 9 डबलेट्स विल बी फाउंड, ए एंड बी. सेंट्रियोल के केस में ट्रिपलेट्स थे ए बी सी, यहाँ ए एंड बी ही मिलेंगे. ठीक है, इसीलिए हमने क्या बोला है इनको, डबलेट्स. Like this. Now, these doublets, they are marked as A and B. Clear? इसका डिटेल स्ट्रक्चर मैं इधर बता देती हूँ. ये A है और ये क्या है, the second one is the B. Let us look at the structure of this peripheral doublet. ये जो peripheral doublet है उसका structure कुछ detail में यहाँ मैंने बना दिया है. यहाँ हम देख सकते हैं दो fibrils हैं A and B. A बना होगा 13 protofilaments का, circular होता है, जबकि B जो होगा वो C-shaped होता है and it is made up of the 10 protofilaments. अब A जो होगा fibril, इसके अंदर दो arms देखने को मिलते हैं. The outer arm is a hook-like, okay, and the inner arm is slightly bent. Now these two outer and inner arm are made up of the dynein protein. ये किसके बने होंगे, dynein protein के, जो कि ATPase activity show करता है, which provides energy for the movement of the cilia and the flagella. इसके अलावा ये जो दोनों singlet fibrils हैं ये भी dynein protein के बने होते हैं. ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये दोनों जो fibrils हैं, peripheral doublets जो हैं, ये किस protein के बने होंगे, they are made up of the tubulin protein. Microtubules जो है वो किसके बने होते हैं, tubulin protein के. तो let us mark these. तो इनको तो हम mark करेंगे as A and B. So these are the A and B peripheral doublets which are made up of the tubulin protein. Now here A is having two arms. So it consists of an outer arm and an inner arm. Outer arm, inner arm. Like this. Clear? Now what happens? This inner arm of one peripheral doublet is connected to the B of next peripheral doublet. Clear? So ye jo connect hoga inner arm, it is slightly bend inwards, it will be connected to the B of the next doublet like this. यहाँ पर बिल्कुल एग्जैक्टली स्ट्रेट नहीं होते हैं ए और बी जो फाइब्रिल है, इसमें स्लाइटली टिल्ट मिलेगा, दे आर नॉट स्ट्रेट. 10 डिग्री का टिल्ट मिलता है विच हेल्प्स इन मेंटेनिंग देयर स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी. क्लियर. तो यहाँ पर ये जो शो कर रहा है ये किसको शो कर रहा है, ये तो हो गए पेरिफेरल डबलेट्स. ठीक है, और ये जो ग्रीन से बनाया है दिस इज ए बी लिंकर. ए बी लिंकर ये कौन से प्रोटीन का बना होता है, ए बी लिंकर दिस इज मेड अप ऑफ द नेक्सिन प्रोटीन. और पेरिफेरल डबलेट्स कौन से प्रोटीन के बने होते हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन. नाउ यहां हम जब देखें तो ये जो डबलेट है इसका जो ए फाइब्रिल है
इससे निकलते हैं रेडियल स्पोक्स, क्योंकि ये 9 पेरिफेरल डबलेट्स हैं, इसीलिए 9 ही क्या निकलेंगे, रेडियल स्पोक्स दैट मूव्स टुवर्ड्स द सेंटर. दीज रेडियल स्पोक्स आर मेड अप ऑफ द डेंस मटेरियल एंड यहाँ पर ये एक स्ट्रक्चर बनाते हैं दैट इज नोन एज द हेड. इन बिटवीन द हेड एंड द सेंट्रल शीथ देयर इज प्रेजेंट द ट्रांजिशन जंक्शन. आई एम मार्किंग इट विद ग्रीन. दिस रिप्रेजेंट्स द ट्रांजिशन जंक्शन. क्लियर? सो लेट अस लेबल दीज स्ट्रक्चर्स. ये तो हो गए रेडियल स्पोक. Then this represents the head. Green part represents the transition junction. This is the central sheath. It is also proteinaceous in nature. And these are the singlet fibril. That is made up of the dynein protein. And these... these two fibrils are connected by means of a cross bridge. Okay, so this is the overall structure of the cilia or the flagella, which is the same, having the 9+2 organization. 9+2 organization क्यों कहा है? क्योंकि 9 peripheral doublets मिल रहे हैं यहाँ पर, और center में भी क्या मिल रहे हैं? 2 singlet fibrils are seen. अलग अलग टाइप के प्रोटीन्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं. जो पेरिफेरल डबलेट है वो किसका बना होगा? ट्यूबुलिन प्रोटीन का. ए का जो इनर आर्म है वो बी के नेक्स्ट डबलेट के बी से कनेक्ट होता है बाय मींस ऑफ द ए बी लिंकर. ठीक है? और ये ए बी लिंकर कौन से प्रोटीन का बना होता है? नेक्सन प्रोटीन का. ए जो डबलेट है इसके जो दोनों आर्म्स हैं और 2 सिंगलेट फाइब्रिल्स जो हैं प्रेजेंट इन द सेंटर, दे आर मेड अप ऑफ द डायनिन प्रोटीन. डायनिन प्रोटीन क्या होता है? इट प्रोवाइड्स द एटीपेस एक्टिविटी ड्यू टू विच द एनर्जी इज रिलीज विच इज यूज फॉर द सीलियरी और फ्लैजेलरी मूवमेंट. क्लियर? और ये जो सिंगलेट फाइब्रिल्स हैं दे आर सराउंडेड बाय द सेंट्रल प्रोटीनेशियस शीथ एंड दीज टू फाइब्रिल्स आर कनेक्टेड बाय मीन्स ऑफ अ क्रॉस ब्रिज. क्लियर? अब क्या होता है, जब भी ये हेड जो होगा ये इसको टच करता है सेंट्रल शीथ को, तो ये क्या होता है, जैसे कार्ट है, कार्ट में जो व्हील होता है वो कब मूव करता है? जब सेंट्रल एक्सल जो होता है, सेंट्रल पार्ट जो होगा वो रोटेट होगा, तो पूरा का पूरा व्हील रोटेट होता है. सेम इज द केस हेयर. यहाँ पर क्या होगा, जब ये हेड वाला पार्ट जो होता है सेंट्रल शीथ से टच करेगा, इनकी ये सारे इससे टच करेंगे, तो ये वाला जो सेंट्रल पार्ट है ये क्या होता है, इट विल रोटेट. जब ये रोटेट होगा तो पूरा जो स्ट्रक्चर है इसका क्या होगा, मूवमेंट देखने को मिलेगा. क्लियर? और ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये किससे सराउंडेड है? इट इज सराउंडेड बाय द सेल मेम्ब्रेन और द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सो दिस होल स्ट्रक्चर विल बी सराउंडेड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन लाइक दिस. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द सीलिया एंड द फ्लैजेला.